म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये लाइन आपने काफी बार सुनी होगी, पढ़ी और देखी भी होगी एडवर्टीजमेंट्स में, और साथ ही साथ आपको काफी लोगों ने यह बताया होगा कि डेट फंड्स में रिस्क नहीं होता, ये लाइन तो केवल इक्विटी फंड्स के लिए है। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ डेट फंड्स ने पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रिस्क की जो कि डेट फंड्स में भी होते हैं और हम उनसे कैसे बच सके। मैं हूं मनीष कोठारी और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। इन द लास्ट 18 मंथ्स वी हैव हर्ड ऑफ सेवरल कंपनीज डिफॉल्टिंग और देयर रेटिंग्स बीइंग डाउनग्रेडेड, व्हिच हैज रिजल्टेड इन द एनएवीज कमिंग डाउन फॉर अ लॉट ऑफ डेट फंड्स। बट बिफोर वी गो फर्दर, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपके लगाए गए पैसों को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स एटसेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं, और इन इंस्ट्रूमेंट्स पे मिलने वाले रिटर्न्स पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, बिल्कुल आपके बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह। तो जब बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह रिटर्न्स पहले से डिसाइडेड है तो रिस्क कहाँ है? तो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स देखते हैं कि डेट फंड्स में किस तरह के रिस्क आ सकते हैं। 1. क्रेडिट रिस्क। मान लीजिए जिस कंपनी के बॉन्ड्स में आपके म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी लॉसेस के कारण या कंपनी के मिसमैनेजमेंट के कारण बैंकरप्सी में चली जाती है। अब उस कंपनी के बॉन्ड्स पे जब इंटरेस्ट भुगतान का समय आएगा और वो पैसे नहीं दे पाएगी, रिजल्टिंग इन अ डिफॉल्ट काइंड ऑफ सिनेरियो, तो इस सिनेरियो को हम क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। इसका एक बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है DHFL का। फॉर वेरियस रीजंस DHFL पिछले एक साल में अपने बॉन्ड्स पे सही समय पे इंटरेस्ट का भुगतान नहीं कर पाई, और जिन म्यूचुअल फंड्स ने DHFL के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था उन्हें DHFL को अपने पोर्टफोलियो से राइट ऑफ करना पड़ा। इस राइट ऑफ के कारण कुछ म्यूचुअल फंड के NAVs काफी गिर गए थे। दिस इज क्रेडिट रिस्क इन अ डेट म्यूचुअल फंड। 2. लिक्विडिटी रिस्क। अज्यूम कीजिए कि आप एक होम अप्लायंसेस के सेल्समैन हैं और जून के महीने में आपके बॉस ने आपको दिल्ली भेजकर ये बोला कि 100 रूम हीटर्स बेच के आए। नहीं बेच पाएंगे ना, और MRP पे तो बिल्कुल ही नहीं। यही है लिक्विडिटी रिस्क, जिसका मतलब ये है कि जब कोई आइटम के लिए कोई रेडी बायर नहीं हो तो उसे हम लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। इस केस में या तो आप प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएंगे, और अगर बेच पाएंगे तो बहुत ही हेफ्टी डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। This is exactly what happened with a few mutual funds, including the ones holding IL&FS papers. Jin mutual funds ne IL&FS ke bonds mein invest kiya tha, after the default, they found it very difficult to sell those bonds to another person. Agar koi kharidne ko ready bhi tha, to bahut hefty discount mang raha tha. To is discount ke karan, jo aapke debt mutual funds ke NAVs mein drop aati hai, that can be attributed to liquidity risk. 3. Concentration risk. Investments ki dunya mein ek bahut hi popular kahawat hai jo aap sab ne suni hi hogi ki don't put all your eggs in one basket. Unfortunately, sometimes we, including some fund managers, overlook this and hold high percentages of single company's bonds in a mutual fund portfolio. Pichle week hi humne dekha कि UTI क्रेडिट रिस्क फंड ने अपने 20% पैसे वोडाफोन आइडिया के एक बॉन्ड में लगा रखे थे, एंड वोडाफोन के रेटिंग डाउनग्रेड के कारण UTI क्रेडिट रिस्क का NAV काफी गिर गया। इस रिस्क को हम कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं। 4. इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब भी बाजार में इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे जाते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस में चेंज आता है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो बॉन्ड के प्राइसेस गिर जाते हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है और बॉन्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं तो वो सारे डेट म्यूचुअल फंड्स जो इस टाइप के बॉन्ड्स होल्ड करके रखे हैं उनके NAVs में भी फॉल आते हैं। दिस फॉल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो अब हमने देख लिया है कि किस तरह के रिस्क होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में। आइए देखते हैं कि कैसे इन रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं हम। सबसे पहला, तो जब भी किसी डेट म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करने लगे
तो उस फंड के ऑब्जेक्टिव्स को जरूर जानिए। इससे आपको ये पता लगेगा कि ये फंड किस टाइप के रिस्क लेते हैं और आपके लिए इस फंड में कितने देर के लिए इन्वेस्ट करना सही होगा। ये जानकारी आपको अपने एडवाइजर से मिल सकती है। दूसरा, डेट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को ठीक से जांच ले और समझ ले। मेक श्योर डेट द पोर्टफोलियो इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। किसी एक कंपनी के बॉन्ड्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। आइडियली इट शुड बी अंडर 5%। ऑल्सो फंड की क्रेडिट रेटिंग देख लें। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ डेट म्यूचुअल फंड फॉर लो रिस्क, तो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करिए जो कि केवल AAA इंस्ट्रूमेंट्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो। तीसरा, टू स्टडी द एक्सपीरियंस ऑफ द फंड मैनेजर एंड द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हम सब जानते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न्स, बट पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि फंड मैनेजर किस टाइप की स्ट्रैटेजीज या रणनीति अपनाता है। क्या वो कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क लेता है और ही लाइक्स टू प्ले इट सेफ। बेस्ड ऑन दिस यू कैन अलाइन योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फंड। अगर आपके लिए ये समझना डिफिकल्ट है तो डोंट फॉरगेट टू आस्क दिस क्वेश्चंस टू योर एडवाइजर। चौथा, अगर आप उम्मीद करते हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो आप लो ड्यूरेशन वाले फंड्स में इन्वेस्ट करिए। लो ड्यूरेशन या शॉर्ट ड्यूरेशन वाले फंड्स होते हैं लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लो ड्यूरेशन फंड या शॉर्ट टर्म फंड। इनकी एवरेज मैच्योरिटी 6 महीने से लेकर कुछ 2-2.5 साल तक की होती है। इन फंड्स में इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाएंगी तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन वाले फंड्स में इन्वेस्ट करिए, जैसे कि मीडियम टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म इनकम फंड्स, लॉन्ग टर्म गिल्ट फंड्स एटसेट्रा। हमने एक सिंपल सा ग्राफ बनाया है जिससे आप अपने टाइम होराइजन या अवधि के हिसाब से डेट फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। इन कंक्लूजन हमारा मानना यह है कि डेट म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए हमें कोई ऐसे फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कि जरूरत से ज्यादा रिस्क लेता है। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हम डेट फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल सेफ्टी के लिए या ग्रोथ के लिए। अगर तो हम ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें शायद इक्विटी फंड्स विल ऑफर बेटर ग्रोथ एंड बेटर रिटर्न्स ओवर लॉन्ग टर्म। अगर हम कैपिटल सेफ्टी के लिए डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लेट्स स्टिक टू हाई क्वालिटी डेट फंड्स विच इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक्स और AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द रिस्क ऑफ अ स्पेसिफिक डेट म्यूचुअल फंड, विजिट आवर वेबसाइट zfunds.in or write to us on the comment section. Thank you for watching Zfunds.